आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है दीर्घकालीन लागत। तो आइए समझते हैं कि दीर्घकालीन लागत क्या है। तो देखिए, दीर्घकाल में सभी आगत परिवर्त होते हैं। दीर्घकाल में जितने भी आगत होते हैं, जितने भी इनपुट होते हैं, उसे बदली जा सकती है, वो वेरिएबल होता है। कोई स्थिर लागतें नहीं होती, ऐसी कोई भी आगत नहीं होती है जो स्थिर होती है। अतः कुल लागत तथा कुल परिवर्ती लागत दीर्घकाल में एक ही समय में घटित होते हैं। मतलब जितने भी कुल लागत है, मतलब कुल लागत तथा कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत तथा कुल परिवर्ती लागत दीर्घकाल में क्या होते हैं, एक ही समय में घटित होते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत परिभाषित की जाती है। देखिए किस तरह दीर्घकालीन औसत लागत को परिभाषित किया जाता है, तो देखिएगा, प्रति इकाई निर्गत लागत के रूप में। अर्थात देखिए, जितने भी कुल लागत हैं उसको निर्गत की इकाई से विभाजित कीजिए। जितने भी कुल लागत हैं उनको निर्गत की इकाई से विभाजित कीजिए, वही परिणाम को दीर्घकालीन औसत लागत कहा जाता है। तो देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत परिभाषित की जाती है प्रति इकाई निर्गत लागत के रूप में। प्रति इकाई निर्गत लागत, तो लागत में वो भी प्रति इकाई के रूप में, यानी कि कुल लागत को निर्गत की इकाई से विभाजित करना है। दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है कुल लागत में वह परिवर्तन है। देखिए अब हम समझने जा रहे हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो सुनिए, दीर्घकालीन सीमांत लागत कुल लागत में वह परिवर्तन है, कुल लागत में वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई निर्गत में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जो मतलब इकाई परिवर्तन करना है किसमें, निर्गत में। निर्गत में एक इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में जितना परिवर्तन होता है उसे ही दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। वह विच्छिन्न इकाई में निर्गत बदलता है। तब यदि हम उत्पादन में वृद्धि करें, लिखा है जब विच्छिन्न इकाई में निर्गत बदलता है तब यदि हम उत्पादन में वृद्धि करें, देखिए कितना, Q1 माइनस वन जो निर्गत की इकाई है से बदल कर कितना हो जाता है, Q1 इकाई तक। पहले कितना था निर्गत, Q1 माइनस वन, बाद में कितना हो गया, Q1। तो Q1 की इकाई का उत्पादन करने की सीमांत लागत, तो Q1वीं के समय, Q1वीं के इकाई का उत्पादन करने की सीमांत लागत इस प्रकार मापी जाती है। किस प्रकार, देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इकाइयों पर कुल लागत, और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर होगा Q1 माइनस वन। तो यहाँ पर Q1 इकाई को निर्माण में, यानी कि इसको उत्पादन में जितनी लागत हुई, Q1 इकाई के उत्पादन में जितनी लागत हुई उसमें घटाएंगे Q1 माइनस वन के इकाई के कुल लागत को, तो उस समय जो परिणाम आएगा वही होगा दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, मान लेते इसी को समझते हैं कि यहाँ पर Q1 मान लेते हैं 5, तो 5 इकाइयों की कुल लागत तो होगी ना, तो 5 इकाई की कुल लागत होगी, तो उसको यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ कितना लिखेंगे Q1 माइनस वन, यानी कि 5 घटा 1 4, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 इकाइयों की कुल लागत। तो यहाँ जितना भी इकाई होगा आगे में उसमें यहाँ एक काम करना है, तो इस प्रकार जो हमें लागत प्राप्त होगी वही होगा दीर्घकालीन सीमांत लागत। अल्पकाल के समान ही दीर्घकाल में सभी सीमांत लागत का कुल जोड़ कुछ निर्गत स्तर तक
कुल लागत देता है। देखिए अल्पकाल की तरह दीर्घकाल में भी क्या होता है, जितने भी सीमांत लागत हैं सभी सीमांत लागतों का कुल जोड़, सबको जोड़िए, कुछ निर्गत स्तर तक क्या बताता है, निर्गत स्तर तक कुल लागत बताता है, यानी कि सभी सीमांत लागतों का जोड़ कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, कुल लागत बताता है किसी दिए गए निर्गत स्तर तक।